दौ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अखरा में शुक्रवार को करम महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पहान जुरन सिंह मानकी ने करम डाली की विधिवत पूजा से की। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की छात्राओं ने पारंपरिक गीत नृत्य के साथ कर्मा का उल्लास बिखेरा। करम महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष व अन्य लोग जुटे। कर्मा झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में आदिवासी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल कर्मा पर्व आज यानी 6 सितंबर मंगलवार को है। इस पर्व को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है बहनों द्वारा भाइयों के सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की जाती है। सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। और आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करम पर्व मना रहे हैं। और यह करम पर्व 2 वर्ष के बाद आज मनाने का मौका मिला है, क्योंकि 2 वर्ष कोविड के काल में हम लोग घर में ही रह गए थे। और यह जो करम पर्व आप लोग देख रहे हैं, यह हमारे प्रकृति का पर्व है। यहाँ के झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, सभी को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं। और यह जो पर्व होता है, काफ़ी लंबे समय तक इस पर्व का इंतज़ार रहता है। और अभी हम लोग का खेती बाड़ी का भी काम ख़त्म हो गया है, इसीलिए एक हम लोग को एक सीमित समय के लिए हम लोग का अखाड़ा में एकदम उल्लास के साथ हम लोग को नाचने का मौका मिलता है। और हम लोग देख रहे हैं बहुत ही खुशी खुशी इस पर्व को मना रहे हैं। और यह एक पर्व हमारे भाई प्रति भाई अपने बहनों के लिए स्नेह और प्यार के लिए, अपने बहनों की रक्षा के लिए यह पर्व मनाते हैं। और जो हम लोग जावा रखते हैं, वह एक नए जीवन, एक नई आशा, एक नई किरण का प्रतीक है। उसी से हम लोग एक नए चीज़ की शुरुआत करते हैं। और यह जो हमारा भाषा संस्कृति जो भी है, नृत्य गान, यह जो देख रहे हैं, यह काफ़ी विख्यात हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग गाँव तक ही इस पर्व को मनाते थे, लेकिन आज रांची के इतने बड़े शहर में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, सभी जगहों पर आयोजन हो रहा है। और काफ़ी संख्या में यहाँ देख रहे हैं कि संख्या में लोग आए हुए हैं और यह पर्व मना रहे हैं। और इसी तरीका से जो हमारे झारखंड में 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, शायद भारत या विश्व के कहीं भी एक ही राज्य में इतना सा छोटे क्षेत्र में कहीं भी इतना भाषा, इतना संस्कृति नहीं हो सकता है, या इतना समान, इतनी विविधता में भी हमारी एकता है, क्योंकि हर छोटे से जगह में एक यह पर्व एक प्रकृति के संरक्षण के लिए और भाई बहन के प्यार को दर्शाने के लिए पर्व मनाया जाता है। अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छा, पहली बार आए हैं करम पर्व देखने के लिए, यहाँ शामिल हुए हैं। हाँ, और यहाँ झारखंड में करम पूजा बहुत ही धूमधाम से हर झारखंडी, चाहे किसी भी जाति या समुदाय के हो, सब कोई मिलजुल के आपसी भाई प्रेम के साथ कर्मा मनाते हैं और आपसी मेल प्रेम का परिचय प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हर तरह के राग, लय और अलग अलग वाद्य यंत्र के द्वारा करम राजा का स्वागत के रूप में नृत्य करते हैं और आपस में सब खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता जाहिर करते हैं और सारे लोग इस पर्व का इंतजार महीनों से करते हैं और पूरा विधि विधान के साथ पर्व मनाते हैं। रामदास उराव, कोऑर्डिनेटर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबों को करम की शुभकामना देती हूँ, जोहार। आप सभी खुशी रहे, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि पिछले साल 2018 से 2018-19-20 तक हमारे यहाँ कोरोना काल का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था और लोग जो है आपस में मिल नहीं पा रहे थे और जिस तरह पहले करते थे वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग जो प्राकृतिक है उनको अनदेखा कर रहे थे और उसकी वजह से ही तरह तरह के रोग, कोरोना जैसी महामारी यहाँ आई है। और ये प्रकृति का ही ये प्रकोप था, और चूंकि अभी प्रकृति हमारे अनुकूल है, वो हमें साथ दे रही है ताकि हम लोग प्रकृति से दोबारा छेड़छाड़ ना करें। और इसी तरह से जिस तरह से कर्मा मनाकर सारे आदिवासी ये जताते हैं कि हम लोग प्रकृति के उपासक हैं, हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते, प्रकृति को हम लोग पूजते हैं। मेरा नाम डुमनी माई मुर्मू है और मैं संतली भाषा की सहायक प्राध्यापिका हूँ। धन्यवाद।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।